हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो मैं वापस आ गया हूँ एकदम न्यू सीरीज़ के साथ, जो कि अब मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक बन गई है और इसका नाम है अपलोड। ये अभी मई 2020 में अपलोड हुई है अमेजोन प्राइम में और इसका लास्ट पार्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उसको जाके देखिए। और इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह हैं, और मेरे हिसाब से एक क्यूट, सस्पेंसफुल और एक फ्यूचरिस्टिक लव स्टोरी है। तो आज मैं इसी सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और आप सबको कुछ नहीं करना है, यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो अब आगे की स्टोरी शुरू होती है और नितिन की भतीजी उससे मिलने आती है मॉर्निंग में और वो उसको बताती है कि इंग्रिड ने उसको अपने घर पे स्लीप ओवर के लिए बुलाया है। तो नितिन उसको जाने के लिए बोल देता है और नितिन उसको नोरा से मिलवाता है और नोरा नितिन को बताती है कि उसकी आज डेट है उस नाइटली वाले लड़के के साथ। फिर वो वहां से चली जाती है और फिर नितिन दिन भर नोरा को मिस करता रहता है। वो जब भी एंजल को बुलाता है तो नोरा की जगह वो आदमी आ जाता है, क्योंकि नोरा तो डेट पे होती है और उसकी डेट भी अच्छी जा रही होती है, वो बंदा भी अच्छा होता है और वो बंदा नोरा को भी लाइक करता है और वो नोरा के बारे में और जानना चाहता है। तो वो नोरा से वो जहाँ काम करती है वहाँ चलने को बोलता है। सब रात हो गई होती है और नोरा उसको अपने ऑफिस ले जाती है और वो देखती है कि सारे अपलोड्स हो चुके हैं सिवाय नेथन के, वो पेंटिंग कर रहा होता है। सो नोरा अपनी डेट को बोलती है कि उसको कुछ काम है और वो नोरा को बाय बोल के चला जाता है। और फिर नोरा नेथन से मिलने जाती है और नेथन को फाइनली अच्छा लगता है कि नोरा उससे मिलने आई। फिर नेथन नोरा से उसको ऑफिस टूर कराने को बोलता है। सो नोरा उसको अपने फोन से वीडियो कॉल करती है और उसको ऑफिस का टूर देती है और नेथन को सैड फील होने लगता है क्योंकि वो बाहर की दुनिया को मिस करने लगा था। तो फिर नोरा उसकी वर्चुअल दुनिया में आती है और नेथन के साथ वहीं पर आसमान का व्यू देखते हुए लेट जाती है। और फिर नोरा नेथन को बताती है कि उसने तुम्हारी मेमोरीज को सही कर दिया था। और उनको सुनने के बाद नोरा को एक चीज पता चली कि तुमने जेमी के साथ एक ऐप डेवलप करी थी बियॉन्ड नेम की, बट फिर उस ऐप को बेचने की बात पे तुम राजी नहीं हो रहे थे। सो नेथन को ऐसा लगता है कि कहीं जेमी का तो हाथ नहीं है उसके मर्डर में। और फिर नेथन नोरा को अपने दिल की बात बोल देता है कि तुम मेरी फेवरेट हो और मैं जेली सू फील हुआ था जब तुम उस बंदे के साथ गई थी वगैरह वगैरह। सो नोरा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। फिर वो दोनों वहीं सो जाते हैं और नोरा अपने रियल ऑफिस में भी सो रही होती है। और फिर सुबह उसकी बॉस आकर नोरा पे बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसने रूल्स तोड़े होते हैं और उसको एक लास्ट वार्निंग देती है। और इंग्रिड नेथन की भतीजी को एक चीज दिखाती है कि ये टी शर्ट उसने उस रात को नेथन की कार से चुराई थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि इंग्रिड का नेथन के एक्सीडेंट में कोई हाथ नहीं था। और वो बोलती है कि वो सच में नेथन से बहुत प्यार करती है। और फिर नेक्स्ट डे इंग्रिड कुछ लोगों के साथ बैठी होती है। अरे इन गोरे लोगों का कुछ चक्कर होता है ना कि ग्रुप में आकर अपनी गलतियां बताते हैं और फिर लाइफ में आगे बढ़ने का ज्ञान पेलते हैं, तो वही हो रहा था। और इंग्रिड बताती है कि लास्ट नाइट उसने नेथन को चीट कर दिया, वो नेथन के बेस्ट फ्रेंड जेमी के साथ सो गई थी और वो नेथन को कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट करना चाहती है ताकि वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाए, लेकिन वहां के लोग इस बात को सजेस्ट नहीं करते। और फिर नोरा और नेथन चेस खेल रहे होते हैं और फाइनली नोरा के 4.8 स्टार्स हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो फाइनली अपने डैड को होराइजन में ला सकती है। और फिर नोरा नेथन को हरा के वहीं से चली जाती है और फिर नोरा न्यूज देखती है कि जॉस पिट्जर की स्ट्रेंजली डेथ हो चुकी है और उसके साथ काम करने वालों की भी डेथ हो चुकी है। और ये वही बंदा था जिसका नेथन से कोई कनेक्शन था क्योंकि उसकी मेमोरी में ये था और नोरा ने उसको कॉल किया था लेकिन उसने कट कर दिया था। तो वो जाके सीधे नेथन को बात बताती है और नेथन उसने उस बंदे का नाम भी कभी नहीं सुना होता है। और फिर नोरा को पता चलता है कि उसके डैड फाइनली स्टोर में आ चुके हैं होराइजन का टूर लेने। तो नोरा बहुत खुश होती है और अपने डैड से मिलने जाती है और वो नेथन को अपने डैड से मिलाता है और नेथन ही उसके डैड को होराइजन का पूरा टूर देने वाला होता है क्योंकि नोरा चाहती है कि उसके डैड नेथन को पसंद कर लें। फिर नोरा वहां से चली जाती है और नेथन टूर शुरू करता है और वो नोरा के डैड को सारी चीजें जेंटली बताता है और फिर एक मेमोरी वाले रूम में ले जाता है। यहाँ अपलोड अपनी कोई भी मेमोरी स्क्रीन पे देख सकता है। सो नोरा के डैड नेथन से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे डैड के बारे में देखना है। तो नेथन सबसे रिसेंट मेमोरी दिखाता है जो कि बहुत छोटे की होती है और नेथन बताता है कि उसके डैड बचपन में ही उसे छोड़ के चले गए थे, उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। और फिर नोरा देखती है कि उसकी बॉस कुछ काम के चक्कर में ऑफिस से बाहर जा रही है और उसका केबिन ओपन है। सो वो चुपके से अंदर जाती है और उसके सिस्टम में जॉस पिट्जर की डिटेल्स निकालना स्टार्ट करती है, लेकिन कोई इंसान ऑफिस के डेटा स्टोरेज रूम में जाके कुछ सेट कर देता है और हम लोगों को नहीं दिखाया जाता कि आखिर ये कौन था। और नेथन इस टाइम टूर दे रहा होता है और नोरा सिस्टम में डिटेल्स निकाल रही होती है और उसको एक चीज दिखती है कि नेथन ब्राउन के ऊपर 4 लोगों का एक्सेस है जिसमें से 3 तो वैलिड लोग हैं लेकिन लास्ट वाले का नेम हाइड है। और तभी डेटा स्टोरेज रूम में एक ब्लास्ट होता है और पूरे ऑफिस की लाइट चली जाती है, सारे सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं और होराइजन में भी सारे अपलोड्स के कार्टून कैरेक्टर्स बन जाते हैं नोरा के डैड को छोड़कर, क्योंकि वो वीआर का यूज कर रहे थे। और फिर ऑफिस से सबको बाहर निकाला जाता है और नोरा भी जाने वाली होती है बट कनेक्शन वापस आ जाता है, सब सही हो जाता है और सारे अपलोड्स भी सही हो जाते हैं। और नोरा जल्दी से उस यूजर की यूजर आईडी नोट कर लेती है और बॉस के आने से पहले बाहर आ जाती है। और नोरा के डैड टूर खत्म होने के बाद बताते हैं कि उनको नेथन पसंद आया, बट फिर वो नोरा से अकेले में बोलते हैं कि वो अभी भी अपलोड में नहीं जाना चाहते और इसमें नेथन का कोई हाथ नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है लेकिन वो अभी भी स्वर्ग में बिलीव करते हैं, रियल वाले स्वर्ग में, सो वो अपलोड नहीं होंगे। और फिर नेक्स्ट डे नेथन अपनी मेमोरीज को देख रहा होता है मेमोरी रूम में, बट हर बार की तरह कुछ मेमोरी डिफेक्टेड होती है। और फिर वो नोरा के साथ की मेमोरी देखता है
और एक मेमोरी में वो नोरा का नेम ले लेता है। तो वहाँ की वर्कर ये सुन लेती है और वो नेथन से पूछती है कि क्या तुमको अपने एंजल का नेम पता है, तो वो जल्दी जल्दी ना बोल के वहाँ से भाग जाता है। बट वो वर्कर बॉस को पता देती है, तो फिर बॉस नोरा की क्लास लेती है और इस बार उसको वो जॉब से सस्पेंड कर देती है। और नोरा नेथन से बाय भी नहीं बोल पाती है, उसको वहाँ से जाना पड़ता है। और फिर नेथन एंजल को बुलाता है तो नोरा आती है, बट वो नोरा के अवतार में उसकी बॉस होती है और नेथन उसको नोरा समझ रहा होता है। और फाइनली नेथन उसको प्रपोज कर देता है, मतलब भाई बहुत गलत टाइमिंग। और उसकी बॉस ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और वो रिप्लाई में नो बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। और नेथन को ऐसा लगता है कि नहीं ये मजाक हो रहा है, लेकिन नहीं, फिर नेथन को ऐसा लगता है कि उसने जल्दबाजी कर दी और वो बहुत सैड हो जाता है। और फिर वो अपनी मॉम को कॉल करता है और बोल देता है कि अब उसको होराइजन में नहीं रहना। एक ही वजह थी उसकी होराइजन में रहने की और उसने भी अब ना बोल दिया है। तो नेथन हार्ड डिस्क में अपलोड हो जाता है और उसकी मॉम उसको किसी और कंपनी के पास ले जाती है नेथन के लिए नया हेवन ढूंढने के लिए। और नोरा फिर अपनी दोस्त से डिटेल्स निकलवाती है कि जॉस का मर्डर होने के जस्ट पहले उसने किसको कॉल किया था, तो वो एक नंबर देती है बट वो ब्लॉक होता है। और नोरा की दोस्त उसको बता देती है कि नेथन ने होराइजन लीव कर दिया। तो नोरा को डर लगने लगता है कि किलर बाहर घूम रहा है और वो सारे सबूत मिटा रहा है जो नेथन के मर्डर से मिले हुए हैं। तो मतलब अब नेथन की हार्ड डिस्क को भी खतरा है, क्योंकि अगर वो किलर के हाथ लग गई तो वो नेथन को डिलीट कर देगा। तो नोरा को ऐसा लगता है कि इंग्रिड ने ही नेथन को निकाला होगा, तो वो इंग्रिड के घर जाती है और उससे बात करने के बाद उसको पता चलता है कि उसके पास नेथन नहीं है और ना ही उसने नेथन को बाहर निकाला है। तो इंग्रिड समझ जाती है कि ये सिर्फ उसकी मॉम ही ऐसा कर सकती हैं। तो वो नेथन की मॉम को कॉल करती है और वो वीडियो कॉल में बैकग्राउंड देख लेती है और वो समझ जाती है कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में है। और इंग्रिड बातें करते करते ऊपर चली जाती है और नोरा उसके रूम में एक्सप्लोर करती है और वो हर जगह नेथन को ही देख रही होती है। और उसको नेथन की चीजें मिलती है और नोरा को देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो नेथन से प्यार कर बैठी है। और फिर इंग्रिड नोरा साथ में उस एजेंसी जाते हैं और वहाँ रोड पे नोरा को एक अजीब आदमी दिखता है और फिर ये लोग अंदर जाते हैं। और नेथन इंग्रिड को देख के इतना खुश नहीं होता जितना वो नोरा को देख के होता है। और इंग्रिड उसे बोलती है कि होराइजन में वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ कुछ टाइम बाद वो भी होगी जो तुम्हें प्यार करती है। उसने ऐसा अपने को लेकर बोला था, बट नेथन नोरा की वजह से वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। और फिर नोरा नेथन की हार्ड ड्राइव इंग्रिड को देती है और ये दोनों वापस जा रहे होते हैं, लेकिन वही अजीब सा आदमी इंग्रिड के हाथ से ड्राइव चुरा के भाग जाता है। और ये लोग उसका पीछा करते हैं और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो हार्ड ड्राइव को पानी में फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देख के इंग्रिड और उसकी मॉम बहुत दुखी होती है, बट नोरा ने फेक हार्ड ड्राइव इंग्रिड को दी थी, रियल वाली हार्ड डिस्क उसके बैग में ही होती है। और फिर नेथन वापस होराइजन में आ जाता है और फिर वो वहाँ हवा खा रहा होता है और नोरा आती है और उसको सीधे गले लगा लेती है। और नेथन देख के हैरान होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने उससे बात करी थी तो वो अलग बिहेव कर रही थी, बट ये रियल नोरा ही थी, क्योंकि इंग्रिड ने नोरा के बॉस से बोलकर नोरा की जॉब उसको वापस दे दी थी। और नेथन नोरा को बताता है कि तुम इतनी वियर्ड बातों के बाद भी मेरे लिए इतनी दूर कैसे चली आई। तो नोरा को समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि मेरी बॉस ने मेरा अवतार लेकर तुमसे बात करी थी। और वो नेथन से बोलती है कि तुमको मुझसे जो भी बात करनी है उससे पहले इंग्रिड के बारे में सोचो, क्योंकि वो अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और फिर नोरा के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि होराइजन का एक न्यू अपडेट 8.9 वर्जन लॉन्च हो रहा है, तो सारे लोग उस अपडेट की तैयारी में लग जाते हैं। और नोरा की बॉस उसको बताती है कि अगर अब तुम्हारा या उस अपलोड के बीच में कुछ भी दिखा तो इस बार तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। सो नोरा उससे झूठ बोल देती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और है और वो आज उसे पार्टी में भी लाएगी। और वो वही उस नाइटली वाले बंदे को कॉल करती है और उसको पार्टी में इनवाइट करती है। और इस साइड नेथन ने सोच लिया था कि वो इंग्रिड से ब्रेकअप कर लेगा नोरा के लिए, और इसलिए उसको होराइजन में रहने का कोई तरीका चाहिए। वो अपनी मॉम से बात करता है और उनके पास इतनी मनी नहीं होती, सो वो अपने दोस्त जिमी को कॉल करता है उससे पैसे उधार मांगने के लिए, बट वो उसका फोन नहीं उठाता, लेकिन नेथन की वॉइस मेल सुन रहा होता है। और फिर इन लोगों की पार्टी शुरू होती है रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड दोनों में। और वहाँ एक टूर्नामेंट स्टार्ट होता है कि एक एग छुपा हुआ है लेक व्यू में और जो भी उसको ढूंढेगा उसको मिलियन बक्स मिलेंगे। सब उसको ढूंढने लग जाते हैं इंक्लूडिंग नेथन, बट वो मिलता है किसको जाकर, मिस्टर चोक को, जिसको पैसों की जरूरत भी नहीं होती। और नेथन को फाइनली उसके बेस्ट फ्रेंड जिमी का कॉल आता है और नेथन उससे गुस्से में बोल देता है कि तुम मेरे फोन नहीं उठाते हो, क्या तुम ही ने मेरा मर्डर किया है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे जीएफ के साथ सेक्स किया है और कुछ नहीं किया मैंने। तो नेथन को एक सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन उसको अब इंग्रिड के साथ ब्रेकअप करने का एक सॉलिड रीजन मिल गया था। और जिमी उससे बोलता है कि वो फाइनेंशियली उसकी हेल्प करेगा बट कुछ टाइम बाद। तो नेथन उसको उस टाइम के लिए 2 गिग्स में रहने का डिसाइड करता है और 2 गिग्स का नोटिफिकेशन इंग्रिड के पास जाता है। तो इंग्रिड नेथन से मिलने आती है इस बारे में बात करने के लिए और नेथन फाइनली उससे ब्रेकअप कर देता है। और इंग्रिड उससे बोलती है कि ऐसा मत करना, क्योंकि लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़े हुए हैं, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है और वो तुमसे प्यार करती है। और नेथन को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे बहुत गुस्सा होता है कि उसने तुमसे झूठ बोला, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर नोरा नेथन से बात करने आती है और नेथन सब बता देता है इंग्रिड के बारे में। अब जो नेथन का ब्रेकअप हो चुका है सो वो दोनों साथ आ सकते हैं। और नोरा नेथन को एक छोटा सा गिफ्ट देती है जिससे वो किसी भी चीज़ का कोड चेंज कर सकता है। और वो बताती है कि आज रात को अपडेट होगा, उससे अपलोड्स की सारी डिफेक्टिव मेमोरी वापस आ जाएंगी, बट वो अपनी कुछ मेमोरीज को भूल सकते हैं। तो नोरा को डर लगा रहता है कि कहीं अपडेट से नेथन उसको भूल ना जाए, सो वो नेथन को बोलती है कि अपडेट कंप्लीट होने के लिए सारे अपलोड्स को स्लीप मोड में होना चाहिए, सो मैं तुम्हें नहीं स्लीप मोड में डालूंगी।
ताकि तुम मुझे भूल ना जाओ। और फिर इंग्रिड अपने घर में जाती है और वो नेथन से दूर होने की वजह से एकदम टूट सी जाती है और वो अपने डैड से जाके बोल देती है कि उसने आपको मीटिंग में सुन लिया था जब आप नेथन का मर्डर का प्लान कर रहे थे और उसने नेथन को भी हिंट दे दी है। तो उसके डैड उससे काफी नाराज होते हैं और फिर नोरा उस लड़के से भी मना कर देती है कि वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, जिससे उसको काफी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। और फिर अपडेट स्टार्ट होता है और नोरा सारे अपलोड्स को सुला देती है नेथन को भी और फिर ऑफिस क्लोज हो जाता है। सभी लोग बाहर जाते हैं बट नोरा चालाकी से वापस ऑफिस के अंदर आ जाती है सबके जाने के बाद और नेथन को जाके जगाती है और फिर वो दोनों नाइट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और वो दोनों फर्स्ट टाइम किस करते हैं और नोरा वहां से चली जाती है। और फिर जैसे ही नेथन के अपडेट होने की बारी आती है सो अपडेट पॉज हो जाता है क्योंकि नेथन जगा हुआ था। सो नोरा के पास एक ऑप्शन आता है, या वो मेमोरी अपडेट करे नेथन को सुला के या कुछ ना करे। अब उसको डर भी होता है कि नेथन कहीं उसको भूल ना जाए सो वो ओके क्लिक कर देती है और नेथन सो जाता है एंड अपडेट कंटिन्यू हो जाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग सारे अपलोड्स जागते हैं और नोरा नेथन को जगाती है और उसको फाइनली उसकी मेमोरीज याद आ जाती हैं। और अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। नेथन उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच बहस होती है उस ऐप को लेकर जो उन दोनों ने बनाई होती है और एक्चुअली नेथन एग्री होता है कि वो उस ऐप को बेच दे इंग्रिड के फादर को जो कि होराइजन के ओनर होते हैं क्योंकि वो बहुत पैसे दे रहे होते हैं जिससे नेथन की लाइफ चेंज हो सकती है और उसकी फैमिली की भी। और जिमी इस बात से डिसएग्री करता है, वो ऐप को नहीं बेचना चाहता। सो वो दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं और वो ऐप नहीं बेचते इंग्रिड के फादर को। लेकिन फिर इंग्रिड के फादर नेथन से पर्सनली मिलते हैं और वो उसको अपनी बातों में फंसाते हैं और वो पैसों को और बढ़ा देते हैं। इसमें स्पेसिफिक मनी नहीं बताई गई है बट समझ जाओ कि इतनी मनी दे रहे थे वो कि जिसके लिए नेथन ने खुद को ही मार डाला ताकि वो मनी ले सके और बाकी के लाइफ होराइजन में जी सके। और फिर नेथन जगता है और वो नोरा को पहचान नहीं पाता और नोरा बहुत सैड हो जाती है और बहुत रोती है और नोरा उसकी न्यू मेमोरीज देख लेती है जिससे उसको भी पता चल जाता है कि नेथन उसको अच्छा इंसान लग रहा था बट उसने पैसों के लिए अपने दोस्त को धोखा दे दिया। और फिर नेथन टू गिग्स में शिफ्ट होने जाता है और वो लू को बताता है कि उसको सब याद है, उसने नोरा से झूठ बोला इसलिए क्योंकि वो उससे नजरें नहीं मिला पाएगा क्योंकि मैं फ्रॉड हूँ। उसके पास सिर्फ 2 गिग्स होते हैं उसको यूज करने के लिए। फिर वो नोरा को कॉल लगाता है बट वो उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने जैसा सोचा था नेथन के बारे में वो उसका उल्टा है और वो कॉल कट कर रही होती है। बट फिर वो उठा लेती है और नेथन उससे सॉरी बोलता है और वो वीआर पहन के उसके सामने आती है और बोलती है कि अब वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन तभी नोरा के घर में एक आदमी घुस जाता है और ये वही होता है जिसने ड्राइव चुरा के पानी में फेंकी होती है। और नोरा को कुछ आवाज आ जाती है तो वो वीआर हटाती है और नोरा को मिरर में दिख जाता है कि उसके पीछे वो बंदा खड़ा है उसको मारने के लिए। तो नोरा खिड़की से कूद के भागती है और वो आदमी उसके पीछे लगा होता है और नेथन नोरा के गिफ्ट से उसकी हेल्प करता है। वो लोकेशन का यूज करके नोरा को डायरेक्शन देता है और एक बिल्डिंग में ले जाता है और उस आदमी को लिफ्ट में फंसवा देता है और फिर लिफ्ट को ऊपर नीचे करके उसको मार डालता है। और फिर नोरा उसको थैंक्स बोलती है और नेथन का डेटा खत्म ही होने वाला होता है लगभग। फिर नोरा के अपने डैड के कहने पर नेथन को कॉल करती है और फिर उससे बात करती है और फाइनली उसको आई लव यू बोलती है। लेकिन तब तक बेचारा नेथन पॉस हो चुका होता है। और फिर नेथन से इंग्रिड मिलने आती है और नेथन को 1 गिग्स का डेटा देती है जिससे वो वापस आ जाता है और उसको बताती है कि वो अपलोड हो गई है, मतलब उसने अपने आप को मार के नेथन के साथ रहने के लिए अपने आप को अपलोड करा लिया है। और नेथन ये शौक सह नहीं पाता और फिर पॉस हो जाता है। बस सीजन 1 खत्म। आई नो आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे नेथन की मेमोरीज को लेकर और भी बहुत सारे, लेकिन वो सीजन 2 में क्लियर किए जाएंगे तो सीजन 2 का वेट करना पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही और ये थी स्टोरी सीजन 1 की। तो अब जब नेक्स्ट सीजन आएगा तब मैं उसकी स्टोरी बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब करे बिना और घंटा बजाए बिना मत जाना एंड आई होप यू रियली लाइक इट। सो सी यू सून, बाय बाय।